में अचानक वहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बैगा आदिवासी विस्थापन को लेकर पिछले 15 सालों से नाराज हैं। यहाँ एटीआर क्षेत्र में 25 गांव में से मात्र 6 गांवों का विस्थापन हो सका है। शेष 19 ग्रामों का विस्थापन वन विभाग की उदासीनता के चलते लटका हुआ है। वहीं वन विभाग ने इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर रोक लगा दी है। यही नहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने पीएम आवास को भी निरस्त करवा दिया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सरपंच और पंचायतों के सदस्यों ने इन समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। भी योजना हमारे यहाँ एटीआर में नहीं हो पा रहे, इसके चलते हम लोग एक ज्ञापन लिखे हैं कलेक्टर महोदय द्वारा वन मंत्री को और मुख्यमंत्री को देने के लिए, ताकि हमको या तो जल्द से जल्द 6 महीने या साल भर के अंदर विस्थापन कर दिया जाए। लगभग 50 साल लग जाएंगे इस विस्थापन की प्रक्रिया में, तो क्या मूलभूत सुविधाओं से आप इनको वंचित रखेंगे? तो हमारा कहना सिर्फ यही था, कलेक्टर महोदय के पास निवेदन लेकर आए थे कि देखिए मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित मत करिए जंगल क्षेत्र के लोगों को, बहुत मुश्किल है वहाँ जीना, ऐसा ही मुहाल है, काफी दूभर है। आज इनके पास रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी शासन से रिक्वेस्ट किया है, इनको यथाशीघ्र अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी जीवन यापन आसानी हो सके। तत्पर शासन को आवश्यक पहल करने हेतु लिखना पड़ेगा, करेंगे बातचीत। छोटे से ब्रेक के लिए।